कल आप लोगों के लिए मैंने जॉब ओपनिंग्स डाला हुआ था मुंबई के लिए और पुणे के लिए। उसके बाद मैंने पूछा था कि कहाँ कहाँ की ओपनिंग्स आप लोग चाहिए, तो कई लोगों ने जैसे कि अंकु ने बोला सर गुड़गांव के लिए, बैंगलोर के लिए, अक्षय ने बोला तो बैंगलोर के लिए और बीआई बैंगलोर के लिए बीआईएम के लिए चाहिए, इन्होंने दिल्ली के लिए बोला था कैफ ने, और इन्होंने सूरत के लिए बोला हुआ है ठीक है अखिलेश ने, हैदराबाद के लिए बोला था, गुड़गांव के लिए, जहां जहां आप लोगों ने बोला था मैं उन हर जगहों की ओपनिंग्स जो जेन्युइन है जो अच्छी कंपनीज है उनको शॉर्टलिस्ट करके आप सबके पास लाया हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए कमेंट आप करेंगे तो उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए मैं जॉब सर्च करूंगा। आज आपको कमेंट करना है कि आप किस प्रोफाइल में जॉब सर्च कर रहे हो। अगर आप स्ट्रक्चर्स में कर रहे हो तो कमेंट करिए, साइट में कर रहे हो तो कमेंट करिए, क्वालिटी में कर रहे हो तो कमेंट करिए, बीआईएम में कर रहे हो तो कमेंट करिए कि किस प्रोफाइल में आप जॉब चाहते हो, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग सर्च करूँ और आप सबके लिए बेस्ट से बेस्ट ओपनिंग लिख रहा हूँ। चलो फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद के लिए से आप लोगों ने बोला था, तो हैदराबाद में गए। इस समय एआईएम यूनाइटेड लिमिटेड करके कंपनी है जिनको बीआईएम मॉड्यूलर चाहिए, बट ये बाहर के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, ठीक है, करना इंडिया से ही है बट बाहर के प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। इनका फुल टाइम पार्ट टाइम अपने हिसाब से आप देख सकते हैं और इनको फटाफट आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इनकी वेबसाइट पर जाके वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरी कौन सी ओपनिंग है गाइस। दूसरी ओपनिंग है यहाँ पर मैत्री कंसल्टेंट करके है, बीआई मॉड्यूलर के लिए औरंगाबाद में। कुछ लोगों ने बोला था सर औरंगाबाद की ओपनिंग बताइए, तो इनको क्या चाहिए, बहुत कुछ नहीं चाहिए, ड्राइंग्स बनाना आना चाहिए, मॉडल्स बनाना आना चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह तो एक्चुअली नॉर्मल है, टैट की ड्राइंग्स बनानी चाहिए, बीआईएम का मॉडल बनाना चाहिए, कोलेबरेशन का काम आपको आना चाहिए, तो यही सिंपल सिंपल वर्क है। जहां तक इनको ऑटोकैड चाहिए, रेविट चाहिए, इतना अगर आपको आता है बिना किसी टेंशन के फटाफट औरंगाबाद के आसपास के जो लोग हैं अप्लाई कर दीजिए इसमें। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट जो कंपनी है, नेक्स्ट है एक्सलाइज, औरंगाबाद की वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट बीआईएम कंपनी है, ठीक है। एक तो एक्सलाइज बहुत अच्छी कंपनी है, एक कंपनी है सैनव्यू, कई लोग औरंगाबाद वाले जानते होंगे, तो मेरे कई स्टूडेंट्स एक्सलाइज में भी है और क्या बोलते हैं आपके इसमें सैनव्यू में भी है। गाइस क्या आप चाहते हो कि जो मेरे स्टूडेंट्स कंपनियों में प्लेस्ड है उनके साथ मैं पॉडकास्ट करूं, उन्होंने कैसे ज्वाइनिंग किया, कैसे इंटरव्यू को क्रैक किया, क्या क्वेश्चन पूछे गए, इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाऊं क्या, कमेंट करके बताइएगा सर, पॉडकास्ट लाइए। और अगर आप चाहते हैं कि जो लोग इसे एक्सरसाइज में जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको आपके साथ इंटरेक्शन करा दूं कि भाई क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे पूछा गया, कैसे अप्लाई किए, या फिर सेनबीओ में या फिर किसी भी एक्सवाइजेड कंपनी में जो भी एमएनसीज है, क्या आप चाहते हो कि ऐसा पॉडकास्ट लाऊं जिसमें उन कंपनियों में प्लेस्ड लोग, जैसे कि नागपुर में प्लेस्ड लोग, पुणे में प्लेस्ड लोग, मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में जो प्लेस्ड है वो लोग आपके साथ आए और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे। इफ यू वॉन्ट की सब पॉडकास्ट करिए उनके साथ, तो मैं डेफिनेटली करूंगा, बस कमेंट कर दीजिएगा। जैसे कमेंट करेंगे हार्डली 1 वीक के अंदर आपके पास पॉडकास्ट आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भाई नेक्स्ट ओपनिंग्स। नेक्स्ट ओपनिंग्स फिर से है उसी के अंदर एक्सलाइज में ही, एक्सलाइज में एक ओपनिंग है बीम इंजीनियर की और एक ओपनिंग है बीम रेविट फैमिली क्रिएटर की। रेविट फैमिली पर बहुत ज्यादा जॉब होती है गाइस और रेविट फैमिली पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप ये मत सोचिएगा जितना आपको रेविट फैमिली आता है वो सफिशियंट है, रेविट फैमिली बहुत बड़ा है, उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट बनाने की, अलग अलग पैरामेट्रिक, अलग अलग नॉन पैरामेट्रिक फैमिली बनाने की अलग अलग प्रैक्टिस होती है। तो अगर आपको फैमिलीज बनाने में, फैमिली मतलब दूसरी फैमिली नहीं रेविट की फैमिली बनाने में इंटरेस्ट है, तो फिर आप इस कंपनी में जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, काफी बेहतरीन है। और इसमें आपको लाइक पैरामेट्रिक फैमिली, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अगर है, देखिए आप लिखा भी है पैरामेट्रिक फैमिलीज, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, ग्लोबल पैरामीटर वगैरह जानते हैं आप क्या बोलते हैं, बीआईएम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो अच्छे अच्छे, उसको स्टाइल कर सकते हो, तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए। बेस्ट कंपनी एक्सलाइज, इनके वेबसाइट पर भी जाके करिए और यहाँ से भी कर दीजिएगा। ये सारे जो लिंक रहेंगे, जैसे यहाँ का जो लिंक है, ये लिंक मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नहीं आते, जितने आते मैं डाल देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन कंपनियों के लिंक मिल जाएंगे, जिस क्लिक करिएगा कंपनी का डायरेक्ट जाके अप्लाई कर दीजिएगा, तो नीचे वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइस। नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो हैदराबाद के लिए 4D बीआईएम के लिए। जब 4D का मतलब ये कि इनको नेविस वर्क जहां तक चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि नेविस वर्क में सबसे ज्यादा काम करते हैं, उसके बाद और कुछ अभी इन हाउस सॉफ्टवेयर भी आ गए, जैसे सिंक्रो है, फ्यूजर है, जो लगभग लगभग नेविस वर्क की तरह काम करता है। अगर आपको पता है, आपको आता है, तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, उन्होंने दिया हुआ है नेविस वर्क या फिर सिंक्रो या फिर सारे आ रहे, बहुत अच्छी बात है, पर उनके साथ रेविट आना कंपल्सरी है, अदरवाइज फाइल को कैसे इंपोर्ट करेंगे नेविस्वर में या फिर सिंक्रो में, तो काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो है बिया मॉड्यूलर के लिए, कैटरेंस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के लिए। एक लड़के ने कमेंट किया था सर कोलकाता के लिए ओपनिंग्स नहीं मिलती है, लो भाई कोलकाता
कोलकाता के लिए ओपनिंग्स आ गई और इनको चाहिए जिसको रेबिट पर अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, रेबिट का जिसको काम बहुत अच्छे से आता हो और आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि लगभग ये 7 लाख रुपए खर्च करेंगे आपके ऊपर, तो इसका मतलब है कि इनको अच्छे एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, तो बिना किसी देरी के जाइए प्लेसमेंट इंडिया से या फिर इनकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, करियर ऑप्शन में जाके डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद है गाइस बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की, जो कि थोड़ा सा अलग प्रोफाइल का है, आपका मन करे तो करिएगा। ये लोग जैसे कि प्रोजेक्ट्स कैसे लाते हैं उसके बेसिस पे इनका काम होता है। कई लोगों को थोड़ा सा ऐसे कि डिग्री प्लस एमबीए किए हुए हैं तो उनके लिए काफी अच्छा है, अदरवाइज आप मत करिएगा। नेक्स्ट का जो कंपनी है वो बीएम मॉड्यूलर की है गाइस, इनको चाहिए बीएम मॉड्यूलर वेस्ट बंगाल में, मतलब कोलकाता में ही चाहिए इनको, ठीक है। और इनको क्या चाहिए, इनको मतलब बहुत नॉर्मल चीजें चाहिए, जैसे कि इनको बीएम एचवीएसी का थोड़ा सा पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। मतलब इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इनकी सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और अप्लाई कर सकते हैं और आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, वेरी गुड। कोलकाता की एक और ओपनिंग थी, कोलकाता के 3-4 कमेंट्स आए थे, मैंने कहा कोलकाता के 3-4 और ओपनिंग्स मिलने चाहिए। इनका वुड स्ट्रक्चर्स में काम है, ठीक है, कोलकाता में सिविल और स्ट्रक्चर्स में वुड में मतलब लकड़ी का काम है इनका, तो इनको स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास है तो बिना किसी देरी के आप इनके यहाँ अप्लाई कर दीजिए और शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो कमेंट करके बता देना कि सर हमारा शॉर्ट लिस्ट हुआ। गाइस किसी का भी शॉर्ट लिस्ट होता है या फिर किसी का भी कहीं पर भी सिलेक्शन होता है, आप चाहते हो कि सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, बिना किसी देरी के मुझे व्हाट्सएप पर्सनली कर देना गाइस। चलिए बीएम डिजाइनर और बीएम आर्किटेक्ट की ओपनिंग है क्रिएटिव ग्रुप करके, न्यू दिल्ली में ओपनिंग है, क्योंकि दिल्ली वाले भी लोगों ने बोला था। डायरेक्ट इनका मेल आईडी है, टेंशन नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते समय पोर्टफोलियो के बिना मत करिएगा, पोर्टफोलियो कंपलसरी होता है बीम की कंपनियों में, ठीक है। और नॉर्मली काम इनका भी है कि रेविट पर अच्छा एडवांस मॉडल लेवल की मॉडलिंग आनी चाहिए, ऑटोकैड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्या दिक्कत है, अप्लाई कर दीजिए, शॉर्ट लिस्टिंग आ गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है गाइस, वो ओपनिंग्स है आर्चडीज करके, बीम मॉड्यूलर की प्रोफाइल है। आर्चडीज बहुत अच्छी बैंगलोर की कंपनी है, बैंगलोर नहीं एक्चुअली एमएनसी है, ठीक है, बैंगलोर में इनका इसमें ओपनिंग्स निकला हुआ है। ऑटोकैड का अच्छा नॉलेज इनको भी चाहिए, कोऑर्डिनेट का काम अच्छे से आना चाहिए और कैड स्टाफ हैंडल कर लेना चाहिए, तो नॉर्मल ही वर्क है इनका, रेबिट ऑटोकैड सिविल 3D आता है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, बीआईएम आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो भैया आप सीख लीजिए, बीआईएम बहुत आसान है, यूनिक सिविल की वेबसाइट पर जाइए, कंप्लीट बीआईएम आप वहां से सीख सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ओपनिंग है महिमा कंसल्टेंसी करके, महिमा कंसल्टेंसी मतलब यहाँ पर बीम मॉड्यूलर की प्रोफाइल है, इनके यहाँ बैंगलोर में ये ओपनिंग्स निकली है और इनको बीम मॉड्यूलर चाहिए, ठीक है। गाइस अगर आपको मेरा हार्डवर्क अच्छा लग रहा हो तो कमेंट, सॉरी कमेंट नहीं, लाइक जरूर कर देना, कमेंट तो करोगे ही, लाइक जरूर कर देना, जिससे कि मुझे यहाँ लगे कि नहीं, आपको चाहिए ओपनिंग्स, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेहतर से बेहतर जो ओपनिंग्स होंगी वो ओपनिंग्स लेके आऊंगा। चलिए नेक्स्ट ओपनिंग्स जो देखते हैं गाइस वो कहाँ पर है, ये है बीम आर्किटेक्ट की प्रोफाइल है क्रिएटिव ग्रुप डेली के लिए है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनको क्या चाहिए, इनको डेफिनेटली बीम आर्किटेक्ट मतलब रेविट का नॉलेज चाहिए, ऑटोकैड का नॉलेज चाहिए, फिक्स है, यही लगता है इसमें, ठीक है। और आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा है तो समझिए कि सिलेक्शन भी बहुत इजीली हो जाता है, बहुत ज्यादा टास्क नहीं रहता है। इनकी मेल आईडी दी है, फटाफट जाइए, इनको अपना सीवी और पोर्टफोलियो देख, लिखा हुआ है इन्होंने सीवी एंड पोर्टफोलियो एट, यहाँ बिना पोर्टफोलियो के एंटरटेन बीआईएम की कंपनियां नहीं करेंगी, ठीक है। नहीं पता कैसे बनाना है, पूछ लीजिए मुझसे, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कैसे बनाते हैं बीआईएम मॉड्यूलर, ठीक है। बीआईएम मॉड्यूलर चाहिए इनको, आरिहा बीम वर्क्स करके कंपनी है सूरत में, ठीक है। किसी ने बोला था सर सूरत के लिए भी चाहिए, तो सूरत में देखो भाई इंटर्नशिप का मिलना मुश्किल है, ये डायरेक्ट फ्रेशर लेवल की जॉब है, आप अप्लाई कर दीजिए इसमें डायरेक्ट, ठीक है। इंटर्नशिप मिलना मुश्किल है, उन्होंने इंटर्नशिप बोला था बट इंटर्नशिप नहीं मिली, देखो उनको बैचलर डिग्री चाहिए बस, इससे मतलब है। कम्युनिकेशन आपके पास एक्सेलेंट क्वालिटी का होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होनी चाहिए, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट ओपनिंग्स जो है वो है इनटेक इंफ्रा टेक्नोलॉजी रेबिट मॉड्यूलर के लिए चाहिए, वो भी आर्किटेक्चर के लिए चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपको नेविस वर्क या फिर आर्चीकैड, आर्चीकैड भी एक आर्किटेक्ट का सॉफ्टवेयर है, मतलब 3D का सॉफ्टवेयर है, जस्ट लाइक रेबिट आपको आता है तो प्लस पॉइंट है, रेबिट का नॉलेज मस्ट है हर कंपनी में, रेबिट का नॉलेज बीआईएम की कंपनी मतलब रेबिट का नॉलेज मस्ट होता ही है। इसके बाद लेवल ऑफ डेवलपमेंट यानी एलओडीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से आरएफआई वगैरह ईमेल वगैरह मतलब करना आना चाहिए, की लाइटिंग एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस वो एटकिंस में है, एटकिन वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, एमएनसी है एक्चुअली इनका, इसमें गुड़गांव में निकला हुआ है। इनको चाहिए हाईवे और ब्रिजेस में,
बीआईएम केवल और केवल बिल्डिंग में नहीं होता, बिल्डिंग में ज्यादा जॉब होती है बीआईएम में। बिल्डिंग के अलावा आप हाईवे के लिए भी बीआई मॉडल बनाते हैं, ब्रिज के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनको नेविस्वर का अच्छा नॉलेज चाहिए, आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है। जीए ड्रॉइंग निकालना आना चाहिए, आरसी डिजाइनिंग मतलब इनका टेक्ला में काम है पूरा, ठीक है। तो इनको टेक्ला जरूर लगेगा, तो इनका जो वर्क दिख रहा है उसके हिसाब से टेक्ला आपको अच्छे से आना चाहिए, रवि स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, तो आपका काम बन सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो टेक इंटीरियर करके है। अभी कोई रिसेंट एक लड़का था अपना स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन हुआ था, अगर वो वीडियो देख रहा है तो कमेंट करना, इसी में भी टेक इंटीरियर में ही हुआ था, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि नाम क्या, नहीं तो मैं नाम जरूर लेता। और इनका जो वर्क एक्सपीरियंस है नोएडा में, इनकी ओपनिंग से 1 ईयर एक्सपीरियंस मतलब प्रीफर्ड है, तो आप अगर फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, फ्रेशर के साथ आपके पास कोई इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है, कोई क्या पोर्टफोलियो बेस्ट क्वालिटी का है, तो वो जरूर अटैच करना, जिससे इनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको हायर करने से इनका फायदा होगा, और ये आप अपने कंपनी में आपको डे वन से रख सकते हैं। रैमबॉल बहुत बड़ी कंपनी है, बीआईएम और स्ट्रक्चर्स दोनों पे काम करती है, रिलायंस जैसे बड़े क्लाइंट्स इसके हैं, बहुत बड़ा काम है रैमबॉल का। तो इनके यहाँ पर बीआईएम मॉड्यूलर की ओपनिंग से नोएडा में है, इनके ऑफिस वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें बिना किसी सोच के अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए सिंपल सिंपल रेविट का काम आना चाहिए, पाइपिंग आना चाहिए, प्लम्बिंग आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नेविस्वर का आता है तो अच्छी बात है, नेविस्वर का एक अल्टरनेटिव सोलिब्री भी सॉफ्टवेयर है और एक सिंक्रो भी है, तो आपको नेविस्वर से या सिंक्रो या फिर सोलिब्री कोई भी आ रहा है, सब एक ही है लगभग, क्योंकि काम उनका 4D का सबका ही है, तो ये आपको आना चाहिए। आईटीआई भी चलेगा, डिप्लोमा भी चलेगा, बीटेक भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी डोमेन से है तो आप रेमबॉल में अप्लाई कर दीजिए, रेमबॉल वन ऑफ द बेस्ट एमएनसी है। नेक्स्ट है गाइस मैनशॉप कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के लिए है, बी मॉड्यूलर के लिए ओपनिंग्स है, ठीक है। और इनको जो चाहिए कि भाई आपको रेविट पर अच्छा नॉलेज होना चाहिए, 3D का अच्छा बनाना आपको आना चाहिए, और क्या बोलते हैं ऑटोकैड का अच्छा नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास है तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम जाइए फटाफट सभी सोर्स पे अप्लाई करिए। इस क्या होता है, एक सोर्स पे किया, किसी ने नहीं देखा आपके रिज्यूम को, तो आपके पोर्टफोलियो को नहीं देखा, तो फिर आप सारे सोर्स पे अप्लाई किए रहेंगे, तो किसी न किसी पर तो सामने वाला देखेगा ही देखेगा। और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके करिए, क्योंकि आपकी सीवी डायरेक्ट पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है गाइस कंसिस्टेंट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, मुंबई के लिए है, ठीक है। ये ओपनिंग्स और इनको कैड में और रेबिट में इनको चाहिए काम, नेविस्वर का अच्छा नॉलेज चाहिए, BIM 360 अगर आपको आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। कुल मिला के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, पैकेज भी अच्छा दिख रहा है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रही आज की ओपनिंग्स, आशा करता हूँ आप लोग को मजा आया होगा। अब आप कमेंट करिए कि आपको किस किस प्रोफाइल में आप लोग जॉब देख रहे हैं, प्लस अगर कोई चाहता है कि सर जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके साथ पॉडकास्ट करिए, पूछिए उससे कि कैसे क्या किया, आप ऐसा कमेंट करते हैं तो मैं 1 वीक के अंदर ही आपके साथ सेशन स्टार्ट कर दूंगा। एक बार अगर पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो रेगुलर पॉडकास्ट आप सबके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको जरूर पॉडकास्ट के लिए डिमांड करना चाहिए, क्यों? क्योंकि दूसरों ने क्या गलती की या दूसरों ने कैसे स्टेप्स लिए वो देख के अपना काम करना थोड़ा आसान हो जाता है, ये आपके फायदे की बात है। कमेंट करेंगे तो पॉडकास्ट स्टार्ट कर देंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।